नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल निक्की ब्लॉग में। माँ गायत्री और माँ भगवती की कृपा से आप सभी प्रसन्न होंगे। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ हम वीडियो को आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी के पौधा विशेष पूजनीय होता है। इनका देवी के समान माना गया है। तुलसी को देवी का दर्जा दिया गया है हमारे सनातन संस्कृति में। प्राचीन काल से ही दोस्तों तुलसी का पौधा हिंदू घरों में लगाने की परंपरा चली आ रही है। इसको घर में लगाने से न सिर्फ सुख शांति का वास होता है, बल्कि वास्तु दोष भी ठीक रहता है। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि तुलसी इतना पवित्र है कि भगवान विष्णु ने इसको अपना सिरमौर अर्थात अपने सिर पर स्थान दिया है दोस्तों, और बिना तुलसी के पत्ता के प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है। लिहाजा आपके घर में तुलसी का पौधा है तो दोस्तों आपको कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कि इस पवित्र पौधे को कौन से दिन तोड़ना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए, किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए आदि तमाम जो बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शास्त्रों में तुलसी के पौधे के पत्ते को इन दिनों का तोड़ने के लिए सख्त मनाही बताया गया है। दोस्तों, तुलसी दल को वैधृति और व्यतिपात इन दो दिनों में नहीं योगों में तोड़ना चाहिए। वहीं रविवार, मंगलवार और शुक्रवार के दिन मित्रों बिल्कुल ही रवि नहीं तोड़ना चाहिए। हो सके तो आप एकादशी, द्वादशी तिथि, अमावस्या और पूर्णिमा इन दिनों भी तुलसी के पत्तों को ना तोड़े। दोस्तों, ऐसी सख्त मनाही शास्त्रों में दिया गया है दोस्तों, जो कि एक बिल्कुल ही वर्जित है। तुलसी को संक्रांति के दिन और घर में जब किसी का जन्म हुआ हो या जब किसी का जब तक नामांकन न संस्कार न हो, उसका नाम संस्कार न हो, तब तक नहीं तोड़नी चाहिए। वहीं जब घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन से लेकर 13वीं तक तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए मित्रों। वहीं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी तुलसी का पत्ता तोड़ना बहुत ही वर्जित माना गया है दोस्तों, जिससे धन की ह्रास होती है मित्रों। दोस्तों, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए या बिना शुद्ध हाथ से भी नहीं तोड़ना चाहिए। पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, तुलसी को कभी भी चाकू, कैंची या हो सके तो नाखून का इस्तेमाल कर नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर दोस्तों उसको पत्तियों के साथ ही उसके अग्रभाग को ही तोड़ना चाहिए मित्रों। ऐसा शास्त्रों में बहुत ही व्याख्यान के तरीके से बताया गया है दोस्तों। दोस्तों, तुलसी का जो ऊपर भाग जिसे हम मंजरी कहते हैं दोस्तों, तो मंजरी को भतोड़कर भगवान विष्णु को चढ़ा देनी चाहिए। ऐसा करने से तुलसी भी प्रसन्न होती है, क्योंकि तुलसी की मंजरी सभी फूलों से बढ़कर मानी जाती है। ध्यान रहे दोस्तों कि मंजरी तोड़ते समय पत्तियों का रहना भी बहुत ही आवश्यक है। मंजरी को भगवान विष्णु को चढ़ाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। उम्मीद है मित्रों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करते रहें। धन्यवाद।